हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का सेकंड चैप्टर, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये हमारा पहला टॉपिक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले हम लोग चैप्टर के नाम पर देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी। तो इकॉनमी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, कहने का मतलब इकॉनमी के अंदर में जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है, वो क्या क्या है और जिसको हम लोग को स्टडी करना है। तो ये चैप्टर पूरे इसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या क्या जो प्रॉब्लम है हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है कि नहीं। तो पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन द प्रॉब्लम ऑफ च्वाइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक यूज द स्कार्स रिसोर्सेज। जैसे कि देखिए, हम लोग के पास क्या है, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो पैसा हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिर जो भी वाटर हो, सब कुछ क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज हम लोग के पास लिमिटेड है, पर हमारे मन में किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे पूरा करना है, यही हमारा प्रॉब्लम है। तो यही इसी को हम लोग प्रॉब्लम ऑफ च्वाइस कहते हैं, कि हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करें। तो ये हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिफाइन किया गया है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस वी मीन द प्रॉब्लम ऑफ च्वाइस। प्रॉब्लम ऑफ च्वाइस मतलब कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड जो वांट्स है उसको कैसे पूरा किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन डिफिनेशन। तो यहाँ पर आपके सामने ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो भी है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद कर सकते हैं। देखिए इसको आप पढ़ेंगे तो इसका जो मेन डिफिनेशन है उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है इसेंशियल है, प्रॉब्लम ऑफ च्वाइस है, मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इसेंशियल द प्रॉब्लम ऑफ च्वाइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ च्वाइस से रिलेटेड है, कि हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करें। नेक्स्ट हमारा है व्हाट कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉज क्या है, क्या कारण है कि हम लोग को इकोनॉमिक प्रॉब्लम आना पड़ रहा है, कोई रीजन है ना तभी हम लोग को प्रॉब्लम हुआ है। सबसे पहला रीजन है वो है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स किसी भी व्यक्ति को क्या है, कोई भी एक मनुष्य अगर हम लोग हैं तो हमारे मन में अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, किसी से रिलेटेड हो, हम लोग के पास अनलिमिटेड वांट्स हो। हम लोग का वांट्स जो है वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। तो हम लोग का वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होता है। तो इसको हम लोग यही कारण है कि हम लोग को इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। अगर मान लीजिए हम लोग का वांट्स लिमिटेड रहता, ज़्यादा वांट्स नहीं रहता, हम लोग के पास कम वांट्स रहता, तो क्या होता है कि हम लोग को इकोनॉमिक प्रॉब्लम झेलना ही नहीं पड़ता। कम वांट्स रहता, भले ही उस वांट्स में अपना पैसा कम रहता तो हम लोग यूज़ करके अपने वांट्स को पूरा कर लेते, पर हम लोग के पास क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स के कारण ही क्या होता है कि हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, सारे वांट्स पूरा नहीं हो पाता। सब सारा वांट्स पूरा अगर नहीं हो पाया तो वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है लिमिटेड स्कार्स मीन्स। लिमिटेड स्कार्स और मीन्स का मतलब क्या है, कि हम लोग के पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। वो कोई भी रिसोर्सेज हो सकता है वो फिजिकल रिसोर्सेज हो सकता है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, कोई भी रिसोर्सेज हम लोग के पास लिमिटेड है। वाटर है, वाटर भी एक रिसोर्सेज है, तो क्या हम लोग के पास लिमिटेड है कि नहीं। लैंड है, लैंड भी लिमिटेड है, लैंड भी अनलिमिटेड नहीं है हम लोग के पास। जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो भी लिमिटेड है। मनी, मनी भी हम लोग के पास लिमिटेड है, हम लोग के अनलिमिटेड वांट्स के लिए। अगर अनलिमिटेड वांट्स है तो उसके कंपेरिजन में हम लोग के पास हमेशा क्या रहेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। तो ये लिमिटेड और स्कार्स मीन्स का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कार्स मतलब कमी, स्कार्स का मतलब क्या होगा, कमी, और मीन्स का मतलब रिसोर्सेज, मतलब जो वांट्स को पूरा करने का मीन्स है, जो वांट्स को पूरा करने का जो मीन्स है वो हम लोग के पास क्या है, लिमिटेड है कि नहीं। जो वांट्स को पूरा करने के लिए जो मीन्स है वो क्या है,
स्कार्स है, लिमिटेड है। इसको पढ़िएगा तो लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स लिमिटेड आर स्कार्स। दिस गुड्स आर कॉल्ड स्कार्स बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई। मनी का डिमांड ज़्यादा है तो उसका सप्लाई कम है किसी भी गुड्स। वाटर का डिमांड ज़्यादा है, वाटर का सप्लाई कम है। तो जब हम लोग का किसी चीज़ का कमी रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? स्कार्स। ठीक है, इन द वर्ड ऑफ एमसी कॉनेल, स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन इन विच, देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ नॉट इनफ ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द ह्यूमन वांट्स। जो हमारा वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज की कमी होगा उसी को स्कार्सिटी कहेंगे या स्कार्स कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट का पढ़ते हैं, वो है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है? देखिए एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति है, उसके पास 100 रुपया आ गया, मान लीजिए मजदूरी करके लाया है, तो 100 रुपया जब आता है तो उसके दिमाग में बहुत सारा आइडिया चलने लगता है। वो 100 रुपया का यूज़ कहीं भी हो सकता है, हो सकता है 100 रुपया का वो यूज़ करके राशन घर में लेकर आए और वो सारा पैसा जो 100 रुपया उसको क्या करे, राशन में ख़त्म कर दे, अपनी रोटी खाना पीना में ख़त्म कर दे। हो सकता है वो क्या करे कि जो 100 रुपया है उसे सेव कर ले, बैंक में डाल दे। हो सकता है वो 100 रुपया का क्या करे, कोई अपना कपड़ा खरीद ले। लेकिन ये 100 रुपया का अल्टरनेटिव यूज है, इसीलिए हम लोग का प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए 100 रुपया आपको दिया गया, मान लीजिए ये व्यक्ति की जगह पर आप ही हैं और आपको क्या किया गया, 100 रुपया दिया गया, बाबू जाओ कुछ भी लेकर आ जाओ 100 रुपया का जो खाने में अच्छा लगे। तो क्या हुआ, क्या आपको 100 रुपया दिया गया, बोला गया कुछ भी लेकर आ जाओ जो खाने में अच्छा लगे, तो क्या हुआ, आप जाकर मिठाई भी ला सकते हैं, समोसा भी ला सकते हैं ना, आप छोला भटूरा भी ला सकते हैं। तो क्या हुआ कि आपके पास क्या है, दिमाग में आइडिया आने लगा ना कि हम क्या क्या ला सकते हैं, तो आपको पता चला कि हम इतने कुछ ला सकते हैं, इतना कुछ ला सकते हैं। तो कब हुआ, जब आपके पास 100 रुपये का अल्टरनेटिव यूज़ हुआ, मतलब कि आपको 100 रुपये दे दिया गया, बताया ही नहीं गया क्या करना है। लेकिन जैसे ही आपके पास 100 रुपया दिया गया और बोल दिया गया कि मिठाई लेकर आना है, क्या करना है, 100 रुपया का क्या करना है, मिठाई लेकर आना है, गुलाब जामुन लेकर आना है, आप गए मार्केट में और गुलाब जामुन लेकर आ गए। तो जब इसका एक ही 100 रुपया का एक ही यूज़ होना था यहाँ पे, तो अगर पास प्रॉब्लम आया तो अकाउंट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब भी मनी का अल्टरनेटिव यूज, उस मनी को हम लोग कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो मनी को जब हम लोग कैसे भी यूज़ करेंगे तो उसका अल्टरनेटिव यूज़ होगा, और अल्टरनेटिव यूज़ होने के कारण हम लोग को समझना हो कि हम लोग कहाँ उसका यूज़ करें जिससे हम लोग को मोर सेटिस्फैक्शन मिल सके, उस मनी का बेहतर यूज हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा, तो आप हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से पहले देख लीजिए एक बार फिर से तीन पॉइंट। तो व्हाट द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉज क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। किसी व्यक्ति के मन में अनलिमिटेड वांट्स होता रहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी अमीर हो क्यों ना हो, उसके दिमाग में हमेशा नया नया आइडिया आते रहता है, नया नया वांट्स आते रहता है, और उस वांट्स से रिलेटेड जो उसके पास रिसोर्सेज रहता है उसकी कमी रहती है, वो हमेशा लिमिटेड रहता है। पर इस अगर इसके पास इतना सारा वांट्स है तो वो किसी भी वांट्स में पूरा लगा सकता है सारा पैसा, हो सकता है ना। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास मनी है, मनी है, मान लीजिए 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, उस 1000 करोड़ का क्या कर सकता है, कहीं स्टेडियम बना सकता है खेलने के लिए। ये या तो पुअर में एक स्कीम चला कर सारे पुअर में बांट दे सकता है, सारे पुअर में बांट दिया है, या फिर वो क्या करे कि नए इंडस्ट्रीज खोल दे, नया इंडस्ट्री खोल दे। तो इसका क्या है, ये 1000 करोड़ का अल्टरनेटिव यूज़ है। तो हर जगह पैसा का अल्टरनेटिव यूज़ होता है, वो हम लोग जो यूज़ करने पर डिपेंड होता है कि हम लोग किस में यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट के दिमाग में इतना, गवर्नमेंट के अंदर में इतना सारा प्रॉब्लम आया ना कि हम लोग किस में यूज़ करें। तो जब ये प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीज़न क्या है कि उसका अल्टरनेटिव यूज़ होता है किसी भी मनी का, और लिमिटेड रिसोर्सेज है, मनी लिमिटेड है, और हम लोग के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। अब जो ये तो पढ़ लिया कि इकॉनमी प्रॉब्लम, इकॉनमी में प्रॉब्लम आता क्यों है,
और पिछले हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है क्या, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोग क्या पढ़े, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंदर में भी तीन प्रॉब्लम आता है। क्या आता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंदर तीन प्रॉब्लम आता है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब चॉइस ही करना है तो पहले चूज करना होगा कि हम लोग को प्रोडक्शन किस किस चीज का करना है, ठीक है। सेकंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे करना है, इसमें भी चॉइस करना होगा। कैसे करें प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव करें, मशीनरी इंटेंसिव करें, कैपिटल इंटेंसिव करें, कैसे करें, है कि नहीं। और थर्ड चूज करना होता है कि फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, कौन से सोसाइटी के कौन से सेक्टर्स के लिए हम लोग प्रोडक्शन करें। तो ये हम लोग का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो तीन पार्ट में बांट दिया गया है। तीनों अलग अलग तरह का चॉइस है और तीनों में ही हम लोग को चूज ही करना होता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बताया ही गया है, और उस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो तीन कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड कैटेगरी है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड कैटेगरी है फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। चलिए देखते हैं तीनों को एक एक करके। पहला जो प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस को दो पार्ट में बांट दिया गया है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मस्ट प्रोड्यूस। इसको भी किसने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में। पहला है व्हाट, कौन सा प्रोडक्शन, एंड हाउ मच, हाउ मच मतलब जो प्रोडक्शन करा वो कितना करे, ठीक है। तो पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर में जो हम लोग चूज करना पड़ता है, वो चूज करना है कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन करें कि कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन करें। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जिसको यूज किया जा सके। क्या होता है? जिसको यूज किया जा सके। तो यहां पर देखिए आपको लिखा है कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? फर्स्ट द इकोनॉमी हैज डिसाइड टू गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस फॉर एफोरेटेंशन विच द सुगर क्लॉथ व्हीट घी, ये सब क्या है, कंज्यूम कर सकता है, सब डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है। तो ये क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स के अंदर में आया। और सेकंड है फिर कैपिटल गुड्स। सेकंड है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के अंदर मशीनरी, ट्रैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट्स, तो ये सब जितना भी है वो कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स हम लोग को प्रोडक्शन करना है, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन करना है या कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन करना है। तो जब भी हम दोनों को चॉइस करेंगे तो वो कौन से किसके अंदर में आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस में, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कौन सा गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कहने का मतलब जो कंज्यूम किया जा सके, क्या किया जा सके, कंज्यूम। और कैपिटल गुड्स मतलब जो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करे, कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन अगर, तो कंज्यूमर मतलब जैसे कि रोटी बनाना है तो रोटी कंज्यूम करने वाला चीज है, तो आटा, गेहूं, चावल, ये सब जब प्रोडक्शन होगा तो वो कंज्यूमर गुड में आएगा। जैसे घी हो गया, जैसे कोई सर्विस हो गया, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, सर्विस जो ट्रांसपोर्ट करके यूज किया जा सकेगा ये वेलफेयर के लिए। लेकिन कैपिटल गुड्स मतलब कि आगे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए यूज हो, जैसे मशीन, मशीन लाएंगे तो इससे और गुड्स बनेगा, और वो जो गुड्स होगा वो आगे फिर सेल करके कंज्यूमर गुड्स बनाया जा सकेगा। तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो फर्स्ट किसके अंदर आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर में क्या आया, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है। अब है कि सेकंड है इसी के अंदर हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकंड कौन सा है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, अब कितना प्रोड्यूस करना है। अब इकोनॉमी है, अब इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स का भी यूज होगा और कंज्यूमर गुड्स का ही भी यूज होगा। क्यों, जैसे कि सोच के चलिए कोई देश है, तो क्या दो देश में सिर्फ रोटी खाएंगे और मशीन नहीं रहेगा तो क्या रोटी, तो क्या हम लोग काम चलेगा। सोच के देखिए आप, सिर्फ रोटी खाना पीना चल रहा है लेकिन कोई भी गुड्स प्रोड्यूशन करने के लिए नहीं है। तो मशीन का गुड्स, मशीन का भी यूज होता है, मशीन होता है जैसे कि मशीन्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे हम लोग को डेली लाइफ में, जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह, जैसे ट्रैक्टर्स हैं तो गेहूँ खेती करने में यूज हो रहा है, मशीन्स हो रहा है यहाँ पे अलग अलग गुड्स बनाने में, जैसे बिस्किट, चॉकलेट्स, जैसे मशीन यूज हो रहा है यहाँ कॉफी बनाने में, जैसे मशीन यूज हो रहा है यहाँ पे फर्दर कंस्ट्रक्शन वर्क करने में, मशीन यूज हो रहा है फर्नीचर वर्क यूज करने में। तो बाकी जैसे कि बाकी सारा गुड्स जो हम लोग को चाहिए कंज्यूम करने के अलावा,
वो सब के लिए हम लोग को मशीन की जरूरत है कि नहीं, तो मशीन को कौन तब कैपिटल गुड्स की जरूरत है। पर सोचिए देखिए कि हम लोग खाली मशीन बना रहे हैं, मशीन बनाते जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स बना रहे हैं, तो क्या हम लोग फिर कंज्यूम क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे क्या? तो हम लोग के लिए दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है ना, कंज्यूमर गुड्स भी इंपॉर्टेंट है और कैपिटल गुड्स भी इंपॉर्टेंट है। पर हाउ मच टू प्रोड्यूस में हम लोग ये देखते हैं कि कितना कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है और कितना कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो मतलब कि हाउ मच टू प्रोड्यूस मतलब कि जैसे कि 100% है तो 100% मान लीजिए पूरा गुड्स पूरा है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस, तो उसमें से कंज्यूमर कितना रहेगा और कैपिटल कितना परसेंट रहेगा। ठीक है, तो दोनों का परसेंटेज को ही हाउ मच टू प्रोड्यूस में देखेंगे। एक चीज और है, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर में आता है कि अगर मान लीजिए वार टाइम चल रहा है, वार देश में वार छिड़ा हुआ है किसी दूसरे देश से, पड़ोसी देश से, तो क्या देश में वार के टाइम पर हम लोग को ज्यादा गन्स की जरूरत होंगे, ज्यादा हथियार चाहिए होंगे, राइफल्स चाहिए होंगे, है कि नहीं? पर यही अगर पीस टाइम होगा, तो पीस होगा तो हम लोग अपना डेवलपमेंट चाहेंगे और वेलफेयर चाहेंगे अपने पब्लिक का, तो उस समय हम लोग को गन्स राइफल्स और कोई हथियार का जरूरत नहीं होगा, उस समय हम लोग को वेलफेयर प्रोडक्ट की जरूरत होगा, जैसे गेहूं, जैसे चावल, जैसे किसान गरीब तक खाना मिल सके, तो वो आता है। तो ये भी एक टॉपिक था व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर में है कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है, अगर वही अगर वार टाइम है तो कैसा गुड्स, वार वाला गुड्स प्रोड्यूस करना है कि पीस गुड्स प्रोड्यूस करना है। सेकंड कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, अगर वही जितना गुड्स है इतना सारा गुड्स, उसमें से हम लोग को किसको कितना करना है, हाउ मच कंज्यूमर गुड्स, हाउ मच कैपिटल गुड्स, वार टाइम चल रहा है तो वार गुड, वार टाइम गुड्स कितना प्रोड्यूस करना है, पीस गुड्स कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। ठीक है, शायद आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो टॉपिक है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे क्या लेंगे, क्या लेबर इंटेंसिव लेंगे या टेक्निक, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, टेक्निक कैसे काम करना है। मान लीजिए आपके पास खेत है, ठीक है, इस खेत के अंदर अगर मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको अगर लेबर लगा दे रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं तो आपको 600 रुपया लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए हल चलाना हो खेत में और उसमें लेबर को लगा दिए तो कितना खर्च पड़ रहा है, 600 रुपया। पर वही ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर क्या कर रहा है, ट्रैक्टर सिर्फ हम लोग को कितना ले रहा है, 500 रुपया। तो हम लोग कौन सा इंटेंसिव ज्यादा पसंद है, ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, ट्रैक्टर वाला, तो हम लोग ट्रैक्टर मतलब कि कैपिटल टेक्निक यूज करेंगे। वहीं अगर मान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन नहीं हो हम लोग के पास, कितना हो, 1/2 एकड़ जमीन हो, बहुत छोटा सा टुकड़ा हो जमीन का, छोटा सा टुकड़ा हो, अब उसमें है कि जो लेबर है वो बोल रहा है 300 ले लेंगे, पर वो ट्रैक्टर वो 500 ही लेने के लिए बोल रहा है, तो वहां पर हम लोग को कौन सा यूज करना है, लेबर टेक्निक यूज करना है। तो लेबर टेक्निक यूज करके हम लोग अपना काम करेंगे। तो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे, मतलब कैसे कैसे प्रोडक्शन करें कैसे, तो कैसे का जवाब यही आएगा कि लेबर इंटेंसिव से करें या कैपिटल इंटेंसिव से करें। लेबर इंटेंसिव मतलब वर्कर्स लगा के, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब ट्रैक्टर्स वगैरह या फिर मशीनरी यूज कर सके। ठीक है, वो हर जगह यूज होता है, जैसे बिस्किट फैक्ट्री है, अब बिस्किट फैक्ट्री में तो लेबर भी काम कर सकते हैं और मशीन भी कर सकता है, तो उसमें जो वहां पर जो उसका मालिक होगा फैक्ट्री का, वो डिसाइड करेगा कि मेरे यहाँ क्या काम करेगा, लोग काम करेंगे या मशीन काम करेगा। तो जब हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर कैपिटल गुड्स यूज कर कैपिटल इंटेंसिव यूज करना है तो उसमें मशीन होगा, और लेबर इंटेंसिव करना हो वो तो लेबर इंटेंसिव होगा, अगर लेबर यूज करना है तो लेबर इंटेंसिव। पर ये दोनों चीज है कि कॉस्ट पर डिपेंड करता है, लेबर में कितना खर्च आ रहा है या कैपिटल में कितना खर्च आ रहा है, जिसमें कम खर्च आएगा वही हम लोग खर्च करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है फॉर वोम टू प्रोड्यूस। फॉर वोम टू प्रोड्यूस, फॉर वोम टू प्रोड्यूस, ठीक है, तो ओइंग द लिमिटेड रिसोर्सेज एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू द एक्सटेंट डिजायर्ड। ब्रॉडली एवरी इकोनॉमी हैज द टू सेक्शन, रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शन। एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी में दो तरह के लोग रहते हैं, एक में गरीब लोग रहते हैं
जिसके पास खाना है कम ही होता है, और एक तरफ रहते हैं अमीर लोग। क्या रहते हैं? अमीर लोग इधर रहते हैं। तो ये अमीर लोग के पास कोई कमी नहीं होता है, इन लोग को सर्विसेज चाहिए होंगे क्योंकि उन लोग के पास पैसा मौजूद होता है, इन लोग के पास पैसा ज़्यादा मौजूद नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए इकॉनमी है, तो इकॉनमी में अगर मान लीजिए हम सिर्फ गुड्स बना रहे हैं, जैसे ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड सिर्फ खाना पीना का जो हो रहा है प्रोडक्शन, तो उसमें क्या होगा कि खाना सस्ता हो जाएगा, लोग अच्छा सा अचीव कर पाएंगे, तो गरीब लोग को फैसिलिटी मिलेगा। पर वहां पर जो अमीर लोग भी होगा वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि हम लोग के पास तो खाना तो मिल ही रहा है, हम लोग को थोड़ा सर्विस चाहिए, हम लोग को थोड़ा सा जैसे कि सिनेमा हॉल चाहिए, आईफोन चाहिए, ये चीज, ये सब किसी को प्रोडक्शन चाहिए, तो इन लोग के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट होगी, वहाँ का जो गवर्नमेंट होगी, उनको डिसाइड करना होगा कि हम रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करें या पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करें। तो अगर रिच सेक्शन के लिए कितना करें और पुअर सेक्शन के लिए कितना करें, तो जब वही डिसीजन लिया जाएगा इनके माइंड से, तो वही किसके अंदर आएगा? फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हम लोग किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो मैंने आपको तीन प्रॉब्लम बताए हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और व्हाट टू प्रोड्यूस में दो प्रॉब्लम था, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए इससे पहले हमने देखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, अब उस सेंट्रल प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकलता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसके बारे में ही जो टॉपिक्स दिए हुए ही चैप्टर्स में है वो आगे सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे। तो व्हाट इज द सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, यहाँ पर देखा हम लोग का टॉपिक क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। तो डिफरेंट इकोनॉमी है तो अलग अलग टाइप का इकोनॉमी होता है, पिछले चैप्टर में बताया था आपको कि अलग अलग टाइप का इकोनॉमी होता है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और मिक्सड इकोनॉमी। तो एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग देखते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? तो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जिसमें जितना भी सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड डिसीजंस हैं सॉल्यूशंस के लिए वो कौन लेता है? एक बिजनेसमैन लेता है। तो जैसे कि एक इकोनॉमी है तो उसमें गुड्स एक्सचेंज होगा, ये कुछ प्रोड्यूस करेगा तो इसको कंज्यूम करेगा, तो ये प्रोड्यूस कर इसको देगा तो ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है। तो एक इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होने वाला है, क्या क्या प्रोडक्शन होगा जिससे वो कंज्यूमर को बेचकर पैसा कमा सकता है और पैसा कमा सकता है, तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा मार्केट इकोनॉमी के अंदर में, कौन डिसाइड करेगा? प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा, या फिर बोल सकते प्रोड्यूसर में कौन आएगा? प्राइवेट प्रोड्यूसर्स डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोडक्शन होगा और कौन सा चीज हम लोग कंज्यूमर को बेचेंगे। तो ये डिसीजन लेगा किसके रिगार्डिंग लेगा, किसकी हेल्प लेगा? मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हेल्प से। तो मार्केट में जितना डिमांड होगा उसकी हेल्प से लेगा। मान लीजिए कि मार्केट में अब डिमांड किसी गुड्स का ज्यादा है, जैसे कि एक इकोनॉमी है वहां क्या है कि मार्केट में जो मशीनरी गुड्स हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं जो रिच पीपल का गुड्स है, जो रिच पीपल जो ज्यादा वांट करते हैं, जैसे आईफोन है, मार्केट में आईफोन का वांट ज्यादा आ गया। अब आईफोन का वांट ज्यादा आ गया तो गुड्स इकोनॉमी में वही गुड्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मार्केट में जो मार्केट इकोनॉमी में कौन सा गुड्स प्रोड्यूस होता है जिसमें डिमांड जिस गुड का हो, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी किस पर डिपेंड होता है? प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स पे, और उनका मोटो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। जब प्रॉफिट कमाना मोटो होगा तो प्रॉफिट कहां से मिलेगा? डिमांड पे। जिस चीज का डिमांड रहेगा उस चीज को बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट के लिए हम लोग को मान लीजिए मार्केट में इकोनॉमी में अब डिमांड है आईफोन का, तो आईफोन प्रोड्यूस करेंगे। अब मार्केट में अगर डिमांड है रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट का नया नया कंस्ट्रक्शन होगा। मार्केट में डिमांड है चाइनीज फूड का, तो चाइनीज फूड लोगों को यूज करने के लिए अब अलग अलग रेस्टोरेंट में बनाए जाएंगे। तो ये सारा डिसीजन जो मार्केट इकोनॉमी में है वो किस पर डिपेंड है? प्राइवेट्स के हाथ में। देख, इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर्स आर द फ्री टू डिसाइड हाउ
एंड फॉर वॉन्ट टू प्रोड्यूस, हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सा डिसीजन होता है प्रॉब्लम चॉइस में, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ, पहला डिसीजन होता है हाउ टू प्रोड्यूस, दूसरा डिसीजन होता है, पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा होता है वॉन्ट टू प्रोड्यूस। तो इस मार्केट इकोनॉमी या फिर फ्री इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करेगी कि मार्केट में क्या, इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूशन होगा, सारा कंट्रोल कौन करेगा, सारा कंट्रोल करेगा प्रोड्यूसर, कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। तो मार्केट में जो जितना तरह का भी, अब मान लीजिए प्रोड्यूसर को करना था, प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होता है, प्रोड्यूसर का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट किससे मिलेगा, डिमांड से, डिमांड जिस चीज का रहेगा उसी चीज का प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कमाने के लिए डिमांड के हिसाब से ही वो गुड्स प्रोडक्शन होगा, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं टॉपिक पे, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रली का मतलब हो गया है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो इकोनॉमी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम होता है या फिर उसके द्वारा प्लान किए गए सारे उसके प्लान के मुताबिक चलता है तो वो कौन सा इकोनॉमी कहलाता है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। इसमें सारा कंट्रोल किसके ऊपर होता है, गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट को लग रहा है कि देश में अनाज, क्या बोल सकते हैं, अनाज की जरूरत है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या प्रोडक्शन करवाएगा, गेहूं प्रोडक्शन करवाएगा, चावल प्रोडक्शन करवाएगा, ये सब प्रोडक्शन करवाएगा जिससे लोगों को क्या हो सके, वेलफेयर हो सके। तो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट का क्या मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर, क्या मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर। तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का क्या मोटिव होगा, सोशल वेलफेयर। तो इसमें सारा कंट्रोल किसके ऊपर होगा, गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन करना चाहेगा वो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करेगा। गवर्नमेंट ने अगर प्रोड्यूसर को बोल दिया कि वाइन का प्रोडक्शन नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, उसने बोल दिया कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगा। सारा कंट्रोल किसके ऊपर में है, गवर्नमेंट के ऊपर में। तो गवर्नमेंट के ऊपर में सारा कंट्रोल होता है किसके, कौन से इकोनॉमी में, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में। और गवर्नमेंट का मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर, ठीक है, सोशल वेलफेयर होगा। और सारा कंट्रोल किसके अंदर में होगा, गवर्नमेंट के अंदर में होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का पहला वर्ड है मिक्स्ड। मिक्स्ड में दोनों चीज होगा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट कमाना भी होगा और सोशल वेलफेयर भी होगा। तो प्रॉफिट कमाना, तो हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा स्ट्रेटजी यूज करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग यूज करेंगे मार्केट इकोनॉमी का स्ट्रेटजी। तो मार्केट इकोनॉमी का स्ट्रेटजी साथ में सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का स्ट्रेटजी दोनों का मिला देंगे तो हम लोग का कौन सा बनेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए लेकिन प्रॉफिट भी होना चाहिए। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम लोग ये नहीं देखना किसी चीज का नुकसान हो जाए। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, अब एक कंट्री है, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं, अमीर व्यक्ति भी रहता है, गरीब व्यक्ति भी रहता है। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि हम इस तरह से प्रोडक्शन करें कि अमीर व्यक्ति का भी नीड पूरा हो जाए, गरीब व्यक्ति का भी नीड पूरा हो जाए। अमीर क्या चाहेगा, उसके पास पैसा है, खाना का कमी नहीं होगा, है, तो वो क्या चाहेगा, ढेर सारा सर्विस चाहिएगा, क्या चाहेगा, सर्विस चाहेगा। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होगा उसके पास पैसा की कमी होगा, क्या होगा, पैसा की कमी होगा। तो उसके पास पैसा की कमी होने के कारण क्या करेगा, वो तो फूड के लिए चाहेगा, फूड, उसको भरपेट खाना मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान में जितना काफी है। पर इसका जो अमीर है उसका उस उतना में पेट नहीं भरने वाला, उसको ज्यादा जरूरत होगा। तो गवर्नमेंट को देखना होगा कि हम अमीर को नया नया तरह का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें और साथ में गरीब को बेसिक नीड भी प्रोवाइड करें। तो सारा डिसीजन किसके अंदर में आएगा, गवर्नमेंट के अंदर में आएगा। पर गवर्नमेंट
प्रोडक्ट प्रोड्यूसर सारा डिसीजन लेगा, लेकिन गवर्नमेंट बस कंट्रोल करेगा कि जो भी डिसीजन दे रहा है वो सही है कि नहीं, उसे रिचर सेक्शन कोई फायदा हो रहा है कि नहीं, या जो लोअर सेक्शन उसको फायदा हो रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा डिसीजन प्रोड्यूसर लेता है जो गलत है, मान लीजिए प्रोड्यूसर प्रॉफिट मोटिव के चक्कर में डिसीजन ले लिया कि वाइन प्रोड्यूस करने के लिए, ड्रग्स प्रोड्यूस करने के लिए, पर जो ड्रग्स प्रोड्यूस करने के लिए ले लिया तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उस पर बैन कर लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक वॉच डॉग की तरह देखते रहता है प्रोड्यूसर क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इस पर लाइसेंस लगाता है, टैक्स लगाता है, सब्सिडीज भी देता है किसी से प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा। तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा पर एज अ वॉच डॉग, बस देखते रहेगा, क्या करते रहेगा, देखते रहेगा कि गवर्नमेंट क्या हो रहा है मार्केट में। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में सारा कुछ किसके अंदर में है, गवर्नमेंट के अंदर में ही है। ये प्रोड्यूसर यहां पर कोई डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है, यहां पर प्रोड्यूसर कस्टमर डिसीजन लेगा लेकिन ये देखते रहेगा। यहां सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में क्या होगा कि गवर्नमेंट ही सारा डिसीजन लेगा, ये जो भी डिसीजन लेगा गवर्नमेंट लेगा और इसका मोटिव सोशल वेलफेयर है। और मार्केट इकोनॉमी क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी वर्क नहीं होता है, सारा काम कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। और तीनों में रिसोर्सेस, इसमें रिसोर्सेस प्राइवेट के हाथ में होंगे, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, प्रोड्यूसर्स के हाथ में होंगे सारा रिसोर्सेस, क्योंकि सारा मालिक यहाँ का प्रोड्यूसर था, डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड होता है। इसमें जो इतना भी रहेगा ये गवर्नमेंट, इसका गवर्नमेंट होगा मालिक सारा रिसोर्सेस का, सारा भी जितना भी तरह का रिसोर्सेस है, पैसा है, एसेट्स है, सबका मालिक कौन होगा, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में गवर्नमेंट होगा। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी होगा साथ साथ प्राइवेट भी होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है और मार्केट इकोनॉमी क्या है और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या है अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, देखिए वर्ड पर ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब प्रोडक्शन करने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस पर जो हम लोग कर्व के हिसाब से, कर्व मतलब हो गया ग्राफ, कर्व का मतलब क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज, कैसे किस तरह से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उसका जो भी पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग ग्राफ पर देखेंगे, किसके हेल्प से देखेंगे, ग्राफ के हेल्प से देखेंगे, ठीक है। तो इसी पर हम लोग को देखना है कि क्या है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। तो प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन होना, ठीक है। पॉसिबिलिटी मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बना हुआ है, क्या क्या चांसेस है, किस तरह का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं, और कहां पर देखेंगे, कर्व पर देखेंगे। तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विथ द अवेलेबल रिसोर्सेस ऑन द अजम्पशन दैट रिसोर्सेस आर given resources are fully efficiently utilized and technology and technique of production remains constant, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डिफिनेशन, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है कि पॉसिबल क्या क्या पॉसिबिलिटी है टू गुड्स, मान लीजिए कि वन गुड्स हम लोग मान लिए कौन सा, वीट, क्या मान लिए, वीट मान लिए, ठीक है। दूसरा गुड्स मान लिए कौन सा, क्लॉथ के लिए हम लोग कॉटन मान लेंगे, कॉटन होगा, ठीक है। तो ये दो गुड्स है, ठीक है, हम लोग के पास क्या अज्यूम करना, देखिए अज्यूम करना है रिसोर्सेज ऑन द अजम्पशन, अज्यूम दैट क्या अज्यूम करना है, रिसोर्सेज आर गिवन, क्या है, रिसोर्सेज गिवन है। तो हम लोग का रिसोर्सेज मान लीजिए गिवन है 1 एकड़ जमीन दिया हुआ, ठीक है, ये 1 एकड़ जमीन, ठीक है। उसके बाद सेकंड अजम्पशन क्या करना है, गिवन रिसोर्सेस आर फुल यूटिलाइज, और जितना भी रिसोर्सेस है, ठीक है, वन रिसोर्स गिवन है, साथ में कुछ मनी हम लोग के पास है, साथ में कुछ लेबर होगा, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हम लोग का
रिसोर्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्सेस दिया हुआ है हम लोग का, तो रिसोर्सेस हम लोग का गिवेन है, साथ में साथ दो गुड्स ले लिए हैं, कौन सा, वीट और क्लॉथ, ठीक है। उसके बाद क्या अज्यूम करने के लिए बोल रहा है, फुल यूटिलाइज, जितना भी उसको हम फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, यूटिलाइज भी हो जाएगा। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी या टेक्निक रिमेंस कॉन्स्टेंट, और जितना भी टेक्निक और कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बताते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हो गया कर्व हम लोग का, ठीक है, ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसको कर्व शो करना है, ठीक है। वाई पर हम लोग मान लेते हैं किसको, क्लॉथ को, किसको मान लेते हैं, क्लॉथ को, और नीचे कौन सा मान लेते हैं, वीट को, ठीक है। चलिए ये हो गया 50, ये हो गया 40, 30, 20, 10, 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग, देखिए यहां पे ये वाई पे क्लॉथ था जिसको हम लोग मीटर में मान लेंगे, ठीक है, और यहां कौन सा था, वीट, क्या, वीट, ठीक है। अब देखिए एक एकड़ जमीन था, हम लोगों ने सोचा कि पूरे पे क्या करें, पूरे पे हम लोग क्या लगा दें, वीट लगा दें, पूरे पे वीट लगा दिया, तो वीट का प्रोडक्शन मैक्सिमम, जब पूरा वीट लगा दिया, पूरा पैसा खर्चा कर दिया, पूरा ट्रैक्टर सब कुछ यूज किया, तो मैक्सिमम लोग कितना प्रोडक्शन हुआ, पूरा प्रोडक्शन। चलिए इसको उल्टा करते हैं, पहले यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज्यादा समझने में आसान होगा। देखिएगा ये पूरा खेत हम लोग का है, ठीक है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या बताना चाहता हूं मैं आप सभी को। देखिए ये हमारा रिसोर्सेस है जिस पर हम लोग डिपेंड है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो जब सारा रिसोर्सेस हम लोग यूज कर लिए हैं, और किस में यूज किए हैं, वीट में, तो हम लोग ऊपर वीट मानते हैं वाई एक्सिस पे, नीचे क्लॉथ मान लेते हैं, क्या, नीचे क्लॉथ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये वाई एक्स एक्स, जब हम लोग सारा खेत में पूरा रिसोर्सेज जो हम लोग पास अवेलेबल है उसमें क्या लगा दिए, गेहूं लगा दिए, गेहूं लगा दिए पूरा फुल यूटिलाइज करके, तो हम लोग का गेहूं का प्रोडक्शन होता है 5 टन, कितना टन होता है, 5 टन। और जब पूरा में अगर हम गेहूं लगा चुके हैं तो मेरे पास क्लॉथ लगाने के लिए कोई जगह बचा नहीं ना, बचा, हम लोग क्या यूज किया, कि हम लोग पास लिमिटेड है जो टेक्नोलॉजी है, जो लैंड है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो क्या है, लिमिटेड है। तो हम लोग इतना ही खेत है, इतना ही टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग यहीं पर रखेंगे। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि इसके हिसाब से अब जब ये पूरे में गेहूं लगा दिया हमने, तो कितना प्रोडक्शन मेरा हुआ, 5 टन हुआ, कितना हुआ, 5 टन हुआ। तो यहाँ क्लॉथ 0 हो गया, क्लॉथ तो एक भी नहीं लगाया, तो पहला पॉइंट यहां बना, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमको क्लॉथ का भी जरूरत है, क्या चीज का जरूरत है, क्लॉथ का भी। तो मैंने क्या किया कि उसके कुछ पार्ट पे, छोटा सा पार्ट पे, ठीक है, ये पूरा खेत था ना, इसमें इतना पार्ट पे क्या किया, क्लॉथ लगा दिया, बोला क्लॉथ भी लगेगा, क्लॉथ मतलब लगा दिया, कॉटन लगा दिया, जूट लगा दिया, जिसमें को क्लॉथ मिले। तो मैंने क्या किया सेकंड पॉइंट पे, तो क्या होगा, अब तो यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन कम है कि नहीं, गेहूं का प्रोडक्शन कम गया, पहले यहाँ ये भी पार्ट कवर हो रहा था गेहूं में, पर ये पार्ट कहाँ गया, यही वाला पार्ट कट के किस में चला गया, ये चला गया हम लोग को क्लॉथ में। तो मान लो 10 मीटर क्लॉथ हम लोग को मिल जाएगा, अब बस 10 मीटर क्लॉथ के चक्कर में हम लोग को 1 टन गेहूं को नुकसान हो जाएगा। तो 1 टन गेहूं को नुकसान यहाँ हो गया, और 10 टन गेहूं को यहाँ, 10 टन फायदा यहाँ। तो जब हम लोग थोड़ा सा जो रिसोर्सेस है वो गेहूं से हटा के किस में लगा दिए,
लगा दिया हम लोग क्लॉथ में, तो हम लोग गेहूं का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम गया और वहीं क्लॉथ का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वही अब फिर से हमको समझ में आया कि नहीं क्लॉथ हमको ज्यादा यूज है, तो हम थोड़ा सा पार्ट को और क्या किए हैं, हटाकर इतना पार्ट में लगा दिए। कितना पार्ट में लगा दिए, इतना पार्ट में और लगा दिए। अब यहाँ पर पहले 10 हटाए थे तो 10 गेहूं का सेक्रीफाइस किए थे तो हमको एक गेन हुआ था, 1 टन सेक्रीफाइस किए थे गेहूं का तो हमको 10 मीटर कपड़ा मिल गया था। अब हमको 20 टन अब हमको 20 मीटर चाहिए गेहूं, अब 20 मीटर चाहिए क्लॉथ, तो हम लोग को 2 टन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो हम लोग का अब प्रोडक्शन होगा गेहूं का कितना, 3 टन पर वही जो 2 टन सेक्रीफाइस किए गए होंगे वो किसमें चला गया, 20 मीटर कपड़ा में। तो अब हम लोग का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करने पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। वही देखिए अब हमको मालूम चला कि नहीं हमको कपड़ा का ज्यादा जरूरत है, गेहूं का थोड़ा सा कम जरूरत है, तो हम क्या किए हैं कि इतना पार्ट को क्या किए, बस इतना पार्ट को हटा दिए। अब इसमें भी लगा दिए, क्या लगा दिए हम लोग, क्लॉथ लगा दिए, क्लॉथ लगाने से मतलब क्लॉथ में कॉटन जूट लगा दिए, ठीक है, पर इतना में ही हम लोग गेहूं को रहने दिए। तो क्या हुआ कि अब हम लोग के पास कितना बच गया, 3 पार्ट में, 3 पार्ट मतलब 1, 2, 3 टन हम गेहूं का सेक्रीफाइस करेंगे तो हम लोग को कितना 30 मीटर क्लॉथ मिलेगा। तो 3 टन गेहूं का सेक्रीफाइस करने पर कितना टन मिल रहा है हम लोग को, 2 टन। अब हम लोग के पास प्रोडक्शन कितना होगा, 2 टन होगा, पर यही हम लोगों का लॉस कितना हो गया, अब कितना लॉस हो गया, 3 टन लॉस हो गया। अब वही जो 3 टन लॉस हुआ गेहूं में वो जाके कहां सेटल हो गया, क्लॉथ में। देखिए क्लॉथ में 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर में हम लोग का फायदा हुआ, ठीक है। तो देखिए ये बन गया हम लोग का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। इसी तरह से अलग अलग पॉसिबिलिटी है, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। हो सकता है कि इतना पार्ट हम लोग का खेत का है उसमें से हम इतना में गेहूं लगाएं, इतना में क्लॉथ लगाएं, लेकिन अब मेरा मन कर रहा नहीं हम इसमें पूरे में गेहूं लगा देंगे तो पूरे में गेहूं लगा दीजिएगा, तो आपको मन कर रहा है पूरे में क्लॉथ लगाना पूरे में क्लॉथ लगा दीजिए, हो सकता है कि हमको पूरे में क्लॉथ लगा देंगे तो क्लॉथ मेरा मैक्सिमम कितना चल जाएगा, 50 मीटर, पर गेहूं मेरा कितना होगा, 0 मीटर, तो ये मेरा लाइन हो जाएगा। तो यही है कि रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूज है कि नहीं, यहाँ पर अल्टरनेटिव यूज है कि नहीं, अलग अलग यूज है कि नहीं, इसमें क्लॉथ भी लगा सकते हैं गेहूं भी लगा सकते हैं। अब इसे क्लॉथ तो गेहूं का हम लोग एग्जाम्पल लिए, आप सेब संतरा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कहीं भी कुछ भी चीज का, आपके पास लैंड आप जमीन उसमें खेती कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, इंडस्ट्री खोल सकते हैं, तो आप पर निर्भर है। तो यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम लोग को सिखाता है कि अगर किसी एक गुड का सेक्रीफाइस करेंगे तो दूसरा गुड हमको कितना गेन होगा, है ना। वीट का सेक्रीफाइस करेंगे तो क्लॉथ का गेन होगा, क्लॉथ का सेक्रीफाइस करेंगे तो वीट का गेन होगा, मतलब कि दो गुड्स के बीच में। तो ये जो डिफिनेशन दिया हुआ था हम लोग का उसको पढ़ते हैं फिर से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग द अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विथ द गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर हम लोग ने देखा क्या है डिफिनेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग द अल्टरनेटिव प्रोडक्शन, और अल्टरनेटिव प्रोडक्शन बताया ना गेहूं का ऑफ क्लॉथ का, और द पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स हम लोग ले चुके थे विद द गिवन रिसोर्सेस, रिसोर्सेस भी हम लोग के पास गिवन था, खेत था, ट्रैक्टर्स था, गिवन था, उतना से ज्यादा मेरा बढ़ नहीं सकता था, या ज्यूम करके रखे थे कि जो मेरा खेत है इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी कर्व में बताया प्रोडक्शन कि दो गुड्स को अल्टरनेटिव यूज अलग अलग तरह का हो सकता है ना, जितना 50 टन अगर हम ले लेंगे क्लॉथ तो हम लोग का गेहूं कितना होगा, 0, 50 मीटर क्लॉथ ले लेंगे तो गेहूं जो है 0 टन वीट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, यह भी चीज यही बताता है। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में यही चीज बताया गया है। देखिए ये क्लॉथ है, इसको बेल्स में नापा गया है, ये गेहूं है, ठीक है। अब जैसे पूरा रिसोर्सेस, जैसे कि पूरा एक एकड़ जमीन था, पूरा में हम लोग क्या लगा दिए थे, गेहूं, तो पूरा में गेहूं जब लगा दिए थे तो यहाँ पे क्लॉथ 0 हुआ, तो पहला पॉइंट यहीं पे बनेगा। ऐसे ही फिर अब हम लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस किए, इतना पार्ट में हम लोग लगा दिए कपड़ा, जब इतना पार्ट में कपड़ा लगा दिए तो हम लोग को क्लॉथ मिल गया, लेकिन गेहूं को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया। तीसरा पॉइंट वैसे हुआ कि हम लोग और सेक्रीफाइस कर दिए गेहूं के लिए,
ज्यादा पार्ट में क्लॉथ लगा दिए तो क्लॉथ हम लोग को यहाँ मिल गया, फिर उसी और सेक्रीफाइस करेंगे तो क्लॉथ ज्यादा मिलता जाएगा, गेहूं कमते जाएगा, तो ये क्लॉथ सबको मिला देंगे तो हम लोग को बनेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अलग पॉइंट है ये, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। देखिए अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, आउटपुट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पीपीसी बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसके बाहर कोई भी पॉइंट आएगा, इसके बाहर अगर कोई भी पॉइंट आ गया जैसे कि ये पॉइंट, इसको अनअटेनेबल पॉइंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन, जैसे कि ये अनअटेनेबल पॉइंट कैसे है, जैसे देखिए ये हमारा खेत हुआ, तो जितना गेहूं का सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही हम लोग क्लॉथ का गेन होगा। अब ये अनअटेनेबल कैसे है, जैसे कि देखिए यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं गेहूं का ज्यादा, लेकिन यहाँ कम हो रहा है, तो ये पॉइंट इस प्रोडक्शन कर्व के बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि गेहूं का सेक्रीफाइस ज्यादा करेंगे और कम करेंगे। जैसे अज्यूम किए हम लोग कि रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइजेशन करेंगे, जब रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन होगा और जितना गिवन रिसोर्सेज का और हम लोग का जो ये टेक्नोलॉजी है वो लिमिटेड रहेगा, उसका फुल्ली यूटिलाइज करेंगे और चेंज नहीं होगा, तो जितना हम लोग किसी एक गुड का सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही किसी दूसरे गुड का हम लोग गेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गेहूं का सेक्रीफाइस ज्यादा हुआ है और यहाँ पे नहीं, गेहूं का सेक्रीफाइस कम हुआ है और यहाँ पे गेन ज्यादा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो भी पॉइंट इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनअटेनेबल पॉइंट। क्या कहेंगे? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। जो भी पॉइंट अंदर आएगा उसको अटेनेबल कहेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट जो टॉपिक था वो अटेनेबल अनअटेनेबल क्या था, ये देखिए अटेनेबल ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी आर अटेनेबल, ठीक है, अटेनेबल है क्योंकि वो पॉसिबल है। और जैसे ही उस पीपीसी के आउटपुट द गिवन रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी, दैट द एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री लाइन और विथ इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन विथ इन द शेडेड एरिया द पॉइंट आर शोज अटेनेबल कॉम्बिनेशन of output and any point outside the boundary line of the production of any point outside the boundary line of production shows the unattainable combination। क्यों हुआ? क्योंकि given technology resources given है, इससे ज्यादा हम लोग use नहीं कर सकते, इसलिए attainable कौन होता है, attainable होता है जो point अंदर हो, और unattainable कौन होता है जो point बाहर, unattainable कौन है, ये है। और यही अटेनेबल कौन होता है, अटेनेबल पॉइंट ये होता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा ये वीडियो। थैंक यू।